नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन रिचुअल्स में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति, सभ्यता, देवी देवताओं, वास्तुशास्त्र और इससे जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारी। कुछ ऐसी बातें जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रिचुअल्स को और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों होता है 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में होता है। हर जगह कुंभ मेले का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे छुपा हुआ कारण। दोस्तों, कुंभ मेले के 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने के पीछे दो मान्यताएं हैं। पहली ज्योतिष मान्यता और दूसरी पौराणिक मान्यता। ज्योतिषीय मान्यता कहती है कि भचक्र में स्थित 360 अंश को 12 भागों में बांटकर 12 राशियों की कल्पना की गई है। भचक्र से तात्पर्य है आकाश मंडल। हर कुंभ के निर्धारित मुहूर्त में गुरु और सूर्य विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु एक राशि पर लगभग 13 महीने तक रहता है, फिर उसी राशि पर आने में 12 वर्ष का समय लगता है। यही कारण है कि कुंभ पर्व 12 वर्ष में एक बार होता है। हरिद्वार, प्रयाग और नासिक में हर 12वें साल में कुंभ की परंपरा है। उज्जैन में कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि इस समय गुरु सिंह राशि में होता है। अब जानते हैं पौराणिक मान्यता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर उसे डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्र को श्री विहीन होने का श्राप दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इंद्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, इसीलिए तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालो। जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल श्रम ही हाथ मिलेगा। पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फल स्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्च श्रेवा घोड़ा, रंभा कल्प वृक्ष, शंख, गदा धनुष, कौस्तुभ मणि, चंद्रमद कामधेनु, अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। इस कलश के लिए असुरों और दैत्यों में संघर्ष शुरू हो गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। ये देखकर दैत्यों ने उनका पीछा किया। ये पीछा 12 दिनों तक होता रहा। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भागदौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इन 12 दिनों की भागदौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन नामक स्थानों पर रखा। इन चारों स्थानों में रखे गए कलश से अमृत की कुछ बूंदे छलक पड़ी। अंत में कलह को शांत करने के लिए समझौता हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों की बारी आने पर कलश रिक्त हो गया। देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक वर्ष के बराबर माना गया है, इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ की परंपरा है। तो दोस्तों, ये थी मान्यताएं जो जुड़ी थी कुंभ के मेले के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए इंडियन रिचुअल्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह की और जानकारी के लिए देखते रहे इंडियन रिचुअल्स, हमारा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।